एक बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले तो 38.87% अभी तक मतदान हुआ है। चंदौली में एक बजे तक 42.68% वोटिंग हुई है। घोसी की बात करें तो 38.21% यहाँ पर वोटकास्ट हुआ। इसके अलावा सलेमपुर में 37%, देवरिया में 39%, गोरखपुर में 37 और बांसगांव में 37, मिर्जापुर में 41% वोटिंग हुई है। रॉबर्ट्सगंज में 38% और वाराणसी में 39% मतदान हुआ है। ये एक बजे तक का आपको बता रहे हैं कहां पर कितना वोटकास्ट हुआ है। लेकिन अगर पिछले 6 चरण की बात कर ली जाए तो उनके कंपैरिजन में आज का वोटिंग परसेंटेज बेहद अच्छा माना जा रहा है और उम्मीद है कि शाम तक ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आज लोग सुबह से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आज कई सारे वीवीआईपी चेहरे जिनकी सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं और वाराणसी में भी आज मतदान जारी है। अगर वोटिंग की बात कर ली जाए तो 39.25% अभी तक वोटिंग परसेंटेज रहा। ये एक बजे तक का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं और उम्मीद है कि शाम को ये जो आंकड़ा है ये परसेंटेज है और ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही पोलिंग बूथों की तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग पहुंचेंगे वोटकास्ट करने के लिए तो उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, कहां पर कितना मतदान हुआ है। अब 42% यानी कि 42.29% महाराजगंज में अभी तक मतदान हुआ है, ये एक बजे तक का आंकड़ा। गोरखपुर में 37.39% मतदान हुआ है। इसके अलावा कुशीनगर में 40.22% मतदान हुआ है और साथ ही देवरिया की बात करें तो 39.44% देवरिया में वोट कास्ट हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांसगांव की जहां पर 37.74% मतदान हुआ और घोसी में 38.30% मतदान हुआ है। सलेमपुर में भी 37.49% वोट कास्ट हुआ है और बलिया में 38.04% मतदान हुआ है। ये एक बजे तक का आंकड़ा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। और गाजीपुर में 38.75% मतदान हुआ है और चंदौली का आंकड़ा भी आपके सामने है, 42.17% चंदौली में वोटकास्ट हुआ है। और ग्राउंड जीरो से कुछ सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोरखपुर से रामगोपाल जुड़ गए हैं, बलिया से राजीव सिंह जुड़ गए हैं, गाजीपुर से अमित गंजू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोरखपुर चलते हैं। रामगोपाल, तस्वीरें आप दिखाइए, दोपहर का वक्त है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत बढ़ गई होगी, लेकिन अब कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या अभी भी लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में? बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर के सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज में खड़ा हूं और यहां पे अब इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। देखिए आप, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से यहां पे इंतजाम किया गया है, धूप से बचाव के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मतदाताओं ने सुबह ही आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अब इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं और अपने वोटिंग का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? वोट देने जा रही हैं? हाँ। तो क्या मुद्दे हैं अभी, किन मुद्दों को सोच में मतदान कर रही हैं? विकास है, नारी सुरक्षा या कोई और मुद्दा? डेवलपमेंट की बताइए ना, किन मुद्दों को आप सोच, दिमाग में क्या था? कंफ्यूज ही लग रही हैं आप, एकदम कंफ्यूज ही लग रही हैं। भाई साहब, वोट डालने आए हैं? जी सर। बिल्कुल, धूप में आप चले आए हैं तो क्या है मुद्दे आप वोट डालने? धूप हो चाहे सर्दी हो बरसात हो, जो हमारा हक है उसको तो पूरा करना ही है। ये जागरूक मतदाता हैं आप, तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं सरकार अपना जो काम कर रही है उसको जो है और आगे बढ़ावा दिया जाएगा, और आगे बढ़ाया जाए। मैम, धूप में आप चली आई हैं तो किन मुद्दों को दिमाग में रख के आई हैं? अरे बस,
तो मतदाता आ रहे हैं, इक्का दुक्का मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं। और देखिए मतदाता जो है इस धूप में 40 डिग्री से अधिक का तापमान है और उसके बाद भी वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, वोट करने हैं भाई साहब, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? मुद्दों विकास हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं विकास है। मैम इस धूप में आप आ गए तो क्या मुद्दे हैं दिमाग में? मोदी जी को जिताना ही। मोदी, अरे रवि किशन यहाँ लड़ रहे हैं, महाराज जी यहाँ वो हैं विधायक। अरे तो पार्टी तो वही ना है। अच्छा पार्टी वही है, तो लगातार जो है अब देखिए धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं। मैम धूप को मात देते हुए एक जागरूक मतदाता की तरह आप आ गई हैं, मुद्दे क्या? मुद्दे विकास, नथिंग एल्स। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्यों भाई? नहीं दिखता है, वो अंधे हैं। बिल्कुल भाजपा है तो विकास तो होगा ही। तो निकल कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, युवा बहुत है, रोजगार है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने रोजगार जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी क्रिएट करेंगे? धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे क्रिएट होगी ना, एकदम से तुरंत तो नहीं लेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी सबके लिए। मतलब है कितने जॉब थे 10 साल पहले, कितने जॉब थे अगर कंपेयर किया जाए तो? पहले भी ऐसे जॉब तो थे नहीं। मतदान करने आए हैं तो दिमाग में क्या चल रहा है इस धूप में आप चले आए? मतदान करने आए क्या मुद्दे रहे दिमाग में? वोटर हैं, दूसरी बात अब देखते हैं किसको देते हैं, अंदर जाके देखते हैं अभी कैसे बताएं। तो ये देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शामिल होने के लिए घर के जो सदस्य आ रहे हैं, बुजुर्ग तो आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी, ऐसे इस तरीके की जो तस्वीर है पोलिंग स्टेशनों पे ये भी यहाँ पे देखने को मिली है कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ आ रही है। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और ऐसे में टेम्परेचर जहाँ पर 50 डिग्री भी क्रॉस कर रहा है, ऐसे में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज जहाँ पर मतदान हो रहा है जिन सीटों पर, लोग काफी ज्यादा जागरूक है। चलिए अब बलिया चलते हैं, राजीव सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, बलिया के कौन से पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास और कितना उत्साह है बलिया वासियों में? और देखिए सिनम, इस वक्त मैं बलिया शहर के भृगु आश्रम प्राथमिक विद्यालय के सामने खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त है और जो टेम्परेचर है वो करीब 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और यही कारण है कि इस बूथ पर आपको सन्नाटा नजर आ रहा है। एक आध लोग इक्का दुक्का यहां पर आकर अपना मतदान कर रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले कुछ लोग यहां पर मतदान करने पहुंचे, उनसे बात करेंगे। सर क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर बलिया के लोग वोट कर रहे हैं? बलिया के लोग जो है, यह महापर्व है लोकसभा का चुनाव का, और तमाम लोग वोट कर रहे हैं इसलिए कि विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं। बेरोजगारी जो है नौजवानों के नौकरी दिलाने के नाम पर, और तमाम सारे स्थिति को देखते हुए लोग मतदान कर रहे हैं। इतने कड़कड़ाती धूप में जो है घर में से एक आध लोग अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सबसे अधिक नौजवान और माताएं बहनें जो है आकर के मतदान में सबसे अधिक हिस्सा ले रही हैं। क्या लगता है सर, ये बलिया को बागी बलिया के तौर पे जाना जाता है, तो यहाँ पर किसके बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं? मुकाबला तो किसी के बीच है ही नहीं, मुकाबला वहाँ पे होता है कि जहाँ सामने कोई रहता है, और मुकाबले की तो कोई बात ही नहीं है। और फिर भी 45 डिग्री की टेम्परेचर पे भी लोग एक एक करके ही, दो दो करके ही लोग वोट देने आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग वोट देने आ रहे हैं तो मात्र विकास के लिए ही वोट देने आ रहे हैं, क्योंकि 10 साल से उन्होंने देखा है कि विकास क्या हो रहा है। और आज बलिया में भी 5 साल से 6 साल से विकास का ही चीज है, मुद्दा है विकास का मुद्दा। आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? नहीं, इस बार केवल विकास ही मुद्दा नहीं है, लोगों की आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, महंगाई भी मुद्दा है, यूथ के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर जहाँ तक लड़ाई की बात की जाए तो आमने सामने की फाइट है, आमने सामने की फाइट है। आपको क्या लग रहा है कि मुख्य मुद्दा क्या है और किस तरह की लड़ाई है? सबसे बड़ा है इस योगी जी और मोदी जी के शासन में अपराध से भयमुक्त समाज, यहाँ हर वर्ग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और कहीं भी नहीं धड़क, 12 बजे रात में भी किसी को भी देखिए, कहीं भी जाना आना एकदम किसी के साथ कोई किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटना। और सबसे बड़ी बात है कि इस शासन में विकास सबसे बड़ी बात है, सारे लोग खुशहाल हैं, सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ, सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है मुख्य मुद्दा क्या होगा, क्या किस तरह की लड़ाई? देखिए यूपी का सबसे आखिरी जनपद है हमारा बलिया, इसके बाद बिहार की सीमा चालू हो जाती है,
विकास मेन मुद्दा है। और अभी हम लोग देखें कि सारे रोड कनेक्टेड हो गए हैं, हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और तमाम चीजें हो रही हैं यहाँ पे बातें, और विकास धीरे धीरे बलिया में आ रहा है। हम लोग पहले 8 बजे के बाद बलिया में चल नहीं पाते थे, आज 10-12 बजे तक आराम से लोग, लड़कियां घर जा रही हैं बाजार से। तो विकास बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी को सभी लोग खुल के वोट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। फिलहाल जो लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच देखने को मिल रही है। और जैसा कि आप अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो करीब 1 बजे तक 38.04% मतदान हुआ था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक 55-60% मतदान हो सकता है अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें। हालांकि अभी गर्मी ज्यादा होने के कारण मतदान प्रतिशत में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उम्मीद यह है कि जैसे ही सेकेंड हाफ में कुछ धूप कम होगी तो लोग एक बार फिर से वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है राजीव, आप बने रहिएगा, गाजीपुर चलते हैं जहां से अमित गंजू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, गाजीपुर से आप तस्वीरें दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं, अगर आपके आसपास कुछ लोग हो तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आज लोग मतदान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा वोट मेरी शान, चाहे कितना भी हो तापमान, ये बात यहाँ गाजीपुर के युवा वोटरों के जहन में इस वक्त न्यूज 18 टीम सबसे इंटीरियर गांव और सबसे लास्ट गांव अगर कहा जाए लालनपुर में, आप देख सकते हैं युवा, पहले तो सियाही दिखाई जिन्होंने वोट, इतनी तपता, देखिए आसमान से आग बरस रही, जमीन तप रही, मगर युवाओं का जोश कहीं से इधर ही है। आप वोट कास्ट करके आए फर्स्ट टाइम, अरे इसके लिए ताली बजाओ यार, जोरदार जोरदार बजाओ पहले इसके लिए, वेरी गुड। क्या युवाओं के क्या मुद्दे पहले बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जॉब के लिए देखेंगे, यहाँ पे जॉब्स की काफी कमियां हैं, तो इसलिए हम लोग जॉब का कोशिश करेंगे यहाँ पे, इसलिए वोटिंग के लिए। अच्छा, सर आप इधर आइए, आपने वोट कास्ट किया, हाँ, क्या मुद्दा है? मैं यहाँ बेरोजगारी महंगाई सब ऐसे यही मुद्दा है हम लोग का। अच्छा, हाँ, इस बार बदलाव करना है हम लोग को। अच्छा, सर आप आइए इधर आइए, आपने वोट डाला, पहले सियाही दिखाओ, मुझे ना दिखाओ, कैमरे को दिखाओ, करोड़ दर्शक तुम्हें देखेंगे। जी सर, क्या क्या मुद्दे हैं? वही सर, जो अग्निवीर है उसको। आप करते क्या हो? हम तो सर अभी वही भर्ती की तैयारी करते हैं। वोट डाल दिया? जी सर। पसीना पहुंचो पहले, वेरी गुड, फिर तुम पे भी आता हूँ। आइए इधर आइए, क्या हंसी कुछ कह रही बता दो। बेरोजगारी है। बेरोजगारी है जी, लेकिन हंस क्यों रहो फिर, थोड़ा सीरियस होकर बता दो। बेरोजगारी है तो वोट दिए है ना पहले, तो पहले दिखाओ वोट दिए, दिखाओ कहाँ दिए, वेरी गुड। आइए सर आप इधर आइए, सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? लालनपुर। लालनपुर के ही है। क्या 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 टक्कर समझ आ रही, किसके क्या सर वगैरह समझ आ रही है यहाँ चुनावी? क्या वर्तमान रहेगा सर। चलिए आइए सर इधर आइए, ये क्या लिखा है? फिजी फन जी, फन किया कुछ, वोट डाल के आयो, ऐसे उंगली नहीं, सीधे दिखाओ वोट। हाँ, क्या क्या मुद्दा है सर? मुद्दा है कि महंगाई है जी, जी महंगाई, बेरोजगारी है। देखिए इनके अपने अपने मुद्दे, आपने वोट डाला, आइए इधर आइए, आइए इधर आ जाइए, जल्दी आइए, भारत की आधी आबादी से जाना बहुत जरूरी है। अरे आप तो आइए, आइए आप इधर आइए, आप उनको बाद में बुलाइए, पहले आप आइए, वोट डाला दिखा दीजिए सही पहले कैमरे के सामने। चलिए अच्छा, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ, अगर आप महिलाओं की बात की, महिलाओं की क्या समस्या, महिलाओं की क्या इश्यूज हैं यहाँ के? क्या उसे गरीबन को, गरीबन जैसे गरीब बा कोई, तो कोई जीतेगा तो गरीब को साथ देगा तो वही को ठीक है। वेरी गुड, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की। गरीब सर आपने वोट डाला, इधर आइए सर प्लीज, गर्मी से बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट डाला कि नहीं? अकेले आप डाले कि पूरा परिवार डाला? सब परिवार डाले हैं। चलिए सर एक जानकारी, सर यहाँ का क्या मुख्य मुद्दे, अगर इस गाजीपुर पूर्वांचल का हाट ऑफ पूर्वांचल कहते हैं, यहाँ से योगी मोगी हटाना है सिर्फ? चलिए तो बहुत अच्छी बात, चलिए चलिए वेरी गुड। देखिए तो पॉलिटिकल, क्योंकि हम लोग खुद बने इन सब चीजों से, लेकिन आपने अपनी भावनाएं की, उसका हम सम्मान भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबकी अपने, मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, अब व्यूज दिखाना चाहूंगा कि देखो जो वोट कास्ट कर चुके थे, अब थोड़ा साइड हो जाइए, अब पूरा सन्नाटा सा पसरा हुआ है, और क्योंकि जो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ वोट कर दिया, और ये वो सेंटर है जहां लगभग 50% ज्यादा क्रॉस हो चुका है, 50% ज्यादा लोगों ने अपने वोट अभी तक कास्ट कर दिए, यानी सबसे अच्छी जगह मानी जा रही है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में अगर 2:30 बजे तक 55% ज्यादा है तो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे संकेत दिख रहे हैं। हालांकि थोड़े थोड़े बादल छा रहे हैं, तो इनके चेहरे की खुशी भी बता रही है, और वोटर्स भी धीरे धीरे करके अब ऐसा माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद, क्योंकि पीक टाइम जो होता है वोट डालने का सुबह 7 से लेकर 10-10:30 तक है, जो हर फेजेस में देखा गया, और 4 से लेकर 6 बजे तक देखा गया। अब देखना यह होगा कि 4 बजे के बाद कितनी परसेंटेज वोट और बढ़ता है। जी बिल्कुल, अमित शाम का इंतजार सभी को है, जब फाइनल वोटिंग परसेंटेज सामने आएगा। उम्मीद है कि पिछले जो 6 चरण है उनका रिकॉर्ड आज टूटने
बैठने वाला है और आज ये जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जितनी लोगों को उम्मीद थी वहां तक ये पहुंचेगा, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कई दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, हर कोई यही अपील करता है जनता से कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है आप वोट कास्ट जरूर कीजिए, यह आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी। चलिए एक बार फिर से रामगोपाल के पास में चलते हैं, गोरखपुर में मौजूद है। रामगोपाल, तस्वीरें जरा दिखाइए, लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि लोगों के रिएक्शन जानना, लोगों के क्या मुद्दे हैं ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, मैं चाहूंगी जरा एक बार वो तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए, ताकि लोगों के अगर मन में कोई ऐसा डाउट है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर जाना मुश्किल भरा हो सकता है, तो उनका भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि प्रशासन ने सभी इंतजाम कर दिए हैं, उनको सिर्फ घर से बाहर निकलना है और मतदान करना है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले एक तस्वीर यह दिखाऊं कि ये देखिए, ये छोटा बच्चा अपने घर वालों के साथ यहाँ आया है, क्योंकि मम्मी वोट देने आई है तो खुद ये चला आया है और उनके साथ हैट लगा के, टोपी लगा के बिल्कुल बसता हुआ यहाँ पे। और इस तरीके की ये तस्वीर इन बूथों पे दिखाई पड़ रही है, कई बूथों पे जहाँ मैं घूमा हूँ वहाँ वहाँ इस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। भले ही 42-43 डिग्री तापमान हो, लेकिन ये जागरूक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच के वोट देने आई हैं? वोट देना है तो देना है, वोट देना है तो देना है, कुछ मुद्दा भी है? रामगोपाल, महिला सुरक्षा इस बार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो जरा इनसे पूछिए कि सुरक्षित महसूस करती हैं ये लोग? तो महिला सुरक्षा कोई मुद्दा है? जैसे महिला सुरक्षा में आप लोग आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, ये तो है, सुरक्षित कर रहे हैं महसूस। सुरक्षित हैं? हाँ। सुरक्षित हैं आप लोग? हाँ। क्यों मैम, वोट देने आई हैं तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित महसूस होता है। और एक तस्वीर और मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये जिला प्रशासन के द्वारा बाकायदा इस बूथ को सजाया गया है और टेंट लगाया गया है कि जिससे जो मतदाता आए वो मतदाता जो है उनको बहुत ज्यादा धूप ना लगे और इजी वे में गेट से लेके अंदर तक चले आए। यहाँ पे व्हील चेयर रखा गया है, अगर कोई बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। इसी के साथ अगर वो अपनी गाड़ी से आना चाहे तो गाड़ी से भी अंदर आ सकता है। तो देखिए, इस वक्त भी पोलिंग बूथों के बाहर तमाम इंतजाम आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा हलचल भी काफी ज्यादा है और आसपास आपको कई लोग नजर आ रहे होंगे, क्योंकि दोपहर का वक्त है, लेकिन फिर भी रामगोपाल देख पा रहे हैं कि पोलिंग बूथों पर हलचल इस वक्त भी बहुत ज्यादा है। यानी कि उम्मीद ये की जा सकती है कि अभी जब शाम का वक्त होगा, जिसे हम एक और पीक टाइम कहते हैं मतदान का, उस वक्त ये जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, गोरखपुर के जो जागरूक मतदाता हैं आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैम देखिए, अब लगातार यहाँ जा रहे हैं और ये जो है बुजुर्ग हैं उसके बाद भी चले आए हैं। इतनी धूप में डर नहीं लगा? ना ना, वोट देना है। विकास महापुरुष नहीं डरते हैं इतनी एज में, विकास महापुरुष नहीं डरते हैं इतनी एज में, कहाँ कहाँ कितनी हिम्मत करते हैं, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते। मतलब हमारे मोदी योगी क्या से क्या नहीं तो कर रहे। ये छोटी बच्ची भी लेके चले आए हैं? ये सल में घर पे अकेली थी तो इसलिए इसने भी जिद किया कि मैं भी वोटिंग देखने चलूं। तो मुद्दे क्या रहे? मुद्दे देखिए, असल में विकास रहा है और जो माफिया मुक्त। तो गोरखपुर से तस्वीरें आप देख रहे थे, अब चलिए आपको बलिया लेकर चलते हैं राजीव के पास में। राजीव, जब लोगों से बातचीत होती है, उनके मुद्दे जब हम जानते हैं, तो अमूमन एक अंदाजा हो जाता है कि मुकाबला कौन कौन सी पार्टी के बीच में है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर आप लड़ाई कैसी देख पा रहे हैं? इंडी गठबंधन वर्सेस बीजेपी या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अब देखिए, अगर बलिया की बात करें तो बलिया में दो तरफा लड़ाई है, एक भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच में। भाजपा ने यहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया है। ये बागी बलिया है, बगावत के लिए जानी जाती है और यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव से समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता नारद राय ने सपा से इस्तीफा देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अमित शाह की मौजूदगी में, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो भाजपा का पल रहा है वो भारी रहता है। आप वोट डाल चुकी है माता जी? पर्ची मैंने गलती दे रहा हूं। क्या क्या मुद्दे हैं आपके, किस लिए आए हैं, क्या चाहत और उम्मीद है? बैठे नहीं,
क्या सोच कर वोट डालने आई है? कुछ बताइए, क्या सोच कर आई है वोट देने? विकास हुआ है कुछ मोदी में? इसलिए मोदी को वोट देंगी? ऐसा क्या किया मोदी ने? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप बेटा वोट डालने आए हो? जी। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही है कि देश में मतलब विकास होना चाहिए, जरूरी है। आपको लगता है बलिया में विकास हुआ है? आपको कुछ तो मतलब विकास हुआ है? कुछ विकास हुआ है तो आप देख रहे हैं ये यूथ है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस कड़ी गर्मी में जो सुरक्षा कर